बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चीज़ सॉस, मज़ेदार यमी चीज़ी चीज़ी। तो चीज़ सॉस बनाना बहुत आसान है, मैं बहुत आसान सी रेसिपी आपको दूंगी और थोड़ी सी चीज़ों से थोड़े से टाइम में आपको ज़बरदस्त किस्म की चीज़ सॉस बनाना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं चीज़ सॉस बनाना। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, नॉन स्टिकी पैन लेना है। उसके अंदर मैं डालूंगी 2 खाने के चम्मच ऑयल। आप ऑयल के जगह पे मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, बेहतर वैसे मक्खन ही होता है। तो उसके बाद इसमें मैं डालूंगी 2 खाने के चम्मच मैदा। मैदा छान के डालेंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बेहतरीन से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको भूनेंगे हम। थोड़ी देर भूनने के बाद देखें इस तरह की पोजीशन होगी। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध। 1/2 कप मैंने दूध लिया है, उसमें से भी मैं 1/2 दूध पहले डाल के मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर सारा एक साथ डालूंगी तो लम्प्स बन सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे मैदे के साथ और ये सारा काम आपने लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल हल्की आँच पर करना है। आँच आपने बिल्कुल भी तेज नहीं करना शुरू से लेके आखिर तक। तो इसको हम मिक्स करेंगे और देखें ये मैदा देखें ऐसे हो जाएगा, थिक सा हो जाएगा। तो ये अब हो गया है। अब हम जो बाकी जो दूध हमारा रह गया, जो आधा हमने बचाया था, उसके अंदर हम डालेंगे जर्दे का रंग, तकरीबन 1 चुटकी। तो ये ऑप्शनल है। ये देखें हमने डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना बने। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके अच्छे से करके हम डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमें जो कलर होता है चीज सॉस का वो येलो कलर होता है। इसलिए होता है कि चैटर चीज हम इसमें डालते हैं उसका कलर येलो होता है, लेकिन पाकिस्तान में चैटर चीज येलो कलर का बहुत मुश्किल से मिलता है, व्हाइट मिलता है। ये देखें चैटर चीज है जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पे पहले निकाल के रखा, मेल्ट होने दिया, थोड़ा सा उसको नरम होने दिया फ्रीजर से। जब वो पिघल गया है बर्फ उसका, तो उसको मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट के मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये चीज 200 ग्राम है। अगर आप काट के इस तरह देखें तो 1 कप बनता है। वैसे इसका 200 ग्राम आप छोटा पैकेट लेते हैं तो तकरीबन वो एक छोटा पैकेट आप कह सकते हैं। आपने चेटर ही लेना है, मोजरेला या कोई और चीज आप नहीं लेंगे, ये बनता ही चेटर चीज में। तो बाहर ममालिक में येलो कलर का चेटर चीज मिल जाता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता, हमें व्हाइट ही मिलता है। लेकिन जो चीज सॉस होता है उसका कलर येलो होता है, इसलिए हमने इसमें येलो कलर ऐड किया है। तो अगर आप चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई हमने कलर नहीं डालना है, हमें व्हाइट चाहिए, कोई इशू नहीं, तो आप व्हाइट भी बना सकते हैं, लेकिन येलो कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया और आपको बता भी दिया किधर ऐड करना है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने लो ही रखना है, तेज नहीं रखना। और ये देखें अभी से देखें चीजी पन आ गया इसमें, ये देखें स्टिकी स्टिकी सा हो रहा है। और हल्के आंच पे इसको हम मिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। हाथ आपने नहीं रोकना, आप मिलाते ही रहेंगे वरना चीज लग भी सकता है। तो इसको इस तरह बराबर करके हम मिलाते रहेंगे जब तक कि ये चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। तो ये देखें मैं मिलाती रही हूँ और ये तकरीबन मेल्ट हो गया। और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना चीज़ी चीज़ी है और ये कितना ज़बरदस्त बन गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हमने लिया है 1/2 टीस्पून। तो 1/2 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्लेवर के लिए ये हम लाजमन डालेंगे। ओरिगानो भी मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, 1/2 चाय का चम्मच ओरिगानो डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और यही दो चीज़ों का फ्लेवर होता है इसमें, एक ओरिगानो का और चिकन पाउडर का, और तीसरा लाजमी बात है चीज़ जो हमने डाला चेडर चीज़। इसको हम चीज़ों के कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा एज ए सॉस हम केचप की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओरिगानो डालने के बाद इसको हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो ये देखें तकरीबन हमारा चीज़ सॉस रेडी है। अगर आपको ओरिगानो और चिकन पाउडर का टेस्ट नहीं पसंद तो उसकी जगह पर आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, कुटे हुआ ब्लैक पेपर डालेंगे तो सॉस का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और एक नया फ्लेवर बन जाएगा। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ सॉस का टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो ओरिगानो और चिकन पाउडर से ही होता है। तो ये बेहतरीन सा हमने रेडी कर दिया, ये देखें अब ये रेडी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको सर्व करना हो उसी वक्त बनाएं, उसी वक्त डालें। अगर आप रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा थिक हो जाएगा और जम जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी डालना, तो इसको उसी वक्त यूज़ करते हैं। अभी देखें मैंने पैन से निकाल के कप में और मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी देर में। अभी ये ठंडा नहीं हुआ, उसके बावजूद देखें कितना
थिक हो गया है तो इसको सेट करना फिर मुश्किल हो जाता है अगर इससे भी ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो आपने जब यूज़ करना और ये ठंडा हो तो आपको गर्म करना होगा, ठंडे में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो आप इसको गर्म करके आप यूज़ करेंगे तो ये वापस स्टिकी हो जाएगा और उसी तरह मज़ेदार सा, चीज़ी सा और बेहतरीन हो जाएगा। तो ये मैंने लेयर पिज़्ज़ा बनाया था, इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, लिंक मैं दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर मैंने ये चीज़ सॉस की कोटिंग की थी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार। जिस चीज़ के ऊपर भी आप इसकी कोटिंग करते हैं उसका ये मज़ा दुबला कर देता है और उसके टेस्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।